आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और साउथ इंडियन चटनी की रेसिपी। इडली और डोसे के साथ आपने नारियल की चटनी तो हमेशा ही खाई होगी। नारियल की चटनी के साथ ही टमाटर और मूंगफली की चटनी भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। मूंगफली की चटनी काफ़ी लोगों ने खाई भी नहीं होगी और शायद बनाई भी नहीं होगी। आप भी अगर इडली या वड़ा बना रहे हों और अगर नारियल घिसने और काटने में आपको टाइम लगे तो आप नारियल की चटनी के अलावा एक और चटनी भी बना सकते हैं। मूंगफली की चटनी बनाने में बहुत आसान तो है ही, इसके अलावा टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब होता है। आज मैंने इडली और वड़े के साथ खाने के लिए पीनट की चटनी बनाई है। आप इस चटनी को ज़रूर बना के ट्राई करें। जिन लोगों ने अभी तक मूंगफली की चटनी ट्राई नहीं की है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रमिलास किचन जोन। साउथ इंडियन स्टाइल में मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हमको चाहिए मूंगफली की चटनी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे मैं चना दाल और मूंगफली दोनों ही इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पे पैन को गर्म करें, उसके बाद मूंगफली और चना दाल डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लें। इसको आधे से कम मिनट के लिए रोस्ट करना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि मूंगफली और चना दाल ज़्यादा टाइम के लिए रोस्ट नहीं करना है, बस इतनी सी बात का ध्यान रखें। अब दोनों चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए रोस्ट करें। दोनों चीज़ें हल्के से रोस्ट हो गई हैं। अब तीखे के लिए एक हरी मिर्च या इसके अलावा आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी सी लहसुन की कलियों को भी पैन में डालकर थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लें। लहसुन की क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है। सारी चीज़ें रोस्ट हो गई है, अब गैस की फ्लेम को ऑफ करें। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मूंगफली को छिलके से अलग कर लेंगे। देखिए हल्के से मसलने पे ही छिलके मूंगफली से अलग हो जा रहे हैं। इस तरीके से हल्के हाथों से रगड़ते हुए मूंगफली के छिलके को निकाल के अलग करें। अब मूंगफली को पीसना है तो एक ब्लेंडर जार लें। अब सारी चीजें इसमें डाल दें। इसके अलावा अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही। दही डालने से इस चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसके साथ ही इस चटनी को पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर जार को बंद करें और उसके बाद चटनी का फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करें। देखिए चटनी तो बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चटनी का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आया है, बस इसी तरीके की चटनी हमको चाहिए। अब इस चटनी को साउथ इंडियन स्टाइल में तड़का लगा लेते हैं। चटनी नारियल की हो चाहे मूंगफली की, चटनी को तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हमको रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें तड़के के लिए डालेंगे थोड़ी सी राई। राई जब अच्छे से चटक जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ करें। राई चटक जाने के बाद अब इसमें कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का तड़का लगा लेंगे। तड़का बनकर एकदम तैयार है। अब इस तड़के को इस चटनी में डाल दें। तड़का डालने के बाद चटनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। साउथ इंडियन स्टाइल में मूंगफली की चटनी बनकर एकदम तैयार है। मूंगफली की चटनी बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से मूंगफली की चटनी बनाकर सर्व करें। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई करें। मूंगफली की चटनी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, इस रेसिपी को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।